हेलो बच्चों, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है। मरकरी हैज एन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वल टू 140 डिग्री विद सोडा लाइम ग्लास। ठीक है, तो हमें बोला है कि सोडा लाइम ग्लास के साथ जो मरकरी का एंगल है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, वो है 140 डिग्री। आगे बोला, एन अरुक ट्यूब ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर मेड ऑफ ग्लास इज डिप्ड थ्रू डिप्ड इन अ ट्रफ कंटेनिंग मरकरी। ठीक है, हमने कह रहा अब कि एक नैरो ट्यूब जिसकी रेडियस 1 मिलीमीटर है, ठीक है, जो ग्लास की बनी है, उसको डिप करती है मरकरी में। ठीक है, द सरफेस टेंशन ऑफ मरकरी एट टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज 0.465 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, पर मीटर, तो हमें सर्फेस टेंशन दे रखी है 0.465 न्यूटन पर मीटर। द डिस्टेंस बाई विच मर्करी डिप डाउन इन द ट्यूब रिलेटिव टू द मर्करी सर्फेस आउटसाइड। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोले कि हमें हाइट एच निकालनी, ठीक है, कितने डिस्टेंस जो मर्करी मतलब डिप डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एच निकालना है, तो एच का फॉर्मूला हमें पता है। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम गिवन क्या है हमें। तो थीटा गिवन है, थीटा कितना है हमें 140 डिग्री। ठीक है, तो कोस थीटा के कोस 140 जो होता है वो कितना होता है हमारा -0.7660। ठीक है, और हमें दे रखा है यहाँ पे रेडियस दे रखे 1 मिलीमीटर, वो आएगी 10^-3 मीटर। ठीक है, और हमें सरफेस टेंशन दे रखे 0.465 न्यूटन पर मीटर। हमें दे रखा है यहाँ पे डेंसिटी दे रखी है, ठीक है, कितनी 13.6 × 10^3 kg/m³। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो प्रेशर होता है, ठीक है, वो होता है पी, जो होता है वो रो जी एच के इक्वल होता है, और ये किसके होता है पी जो ऑल्सो इक्वल टू 2s cos θ/r के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से देखो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2s cos θ/r ρg। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो एच की वैल्यू कितनी आएगी 2 × s जो हमारे पास वो है 0.465 cos 140 की वैल्यू। ठीक है, ऐसे कोस 140 लिखते हैं। ठीक है, और आर रो जी, ठीक है, आर की वैल्यू मेरे पास है 10^-3, रो है मेरे पास 13.6 × 10^3 और जी है 9.8। ठीक है, जब इनको सोल्व करेंगे हम, वैल्यूज पुट करेंगे, तो मेरे पास आएगा -5.3 4 4 मिलीमीटर। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव साइन है ये शो कर रहा है कि जो मरकरी है, ठीक है, जो मरकरी है, ठीक है, मरकरी का लेवल जो है, ठीक है, वो क्या है, मरकरी लेवल इज डिप्रेस्ड इन ट्यूब। ठीक है, मतलब वो मरकरी लेवल जो वो नीचे की तरफ है, ठीक है, ट्यूब में। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना है 5.34 मिलीमीटर। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो उसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,